धरती पर इंसानों ने कचरे के बुर्ज खलीफा से भी ऊंचे पहाड़ बना दिए हैं। तो ये रोबोट हर रोज कचरे को कंप्रेस करता है और इसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है गोटिया पठान। एक दिन ये अपना काम कर रहा था कि तभी एक रॉकेट वहाँ आता है और रोबोट को छोड़कर चला जाता है। तो अपना वॉली उसे देखते ही कहता है बवाल चीज है वे, और उससे बात करने जाता है। पर ये अपने हाथ से लेजर निकालकर उसके पकौड़े तलने ही वाली थी, पर बेचारे की मुंडी बाल बाल बच जाती है। मगर इसका दोस्त गोटिया पठान तो उसके पास जाकर चल छया छया करने लग जाता है। तो एविन दोनों को वही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, मगर आगे जाते ही ये भूतनी की एक चुंबक से चिपक जाती है। तो ये उस चुंबक का ही कबाड़ा कर देती है। ये देखकर वॉली उसके पास जाता है और कहता है मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया, मैं यहाँ पर कचरे को कंप्रेस करता हूँ। तो वो रोबोट कहती है हट भूतनी का कचरा मास्टर। लेकिन तभी वॉली का अलार्म बजने लगता है कि तूफान आने वाला है। तो वॉली उसको अपने घर में ले जाता है और दिवाली वाली लाइट जलाकर अपना इकट्ठा किया सामान दिखाने लगता है और टीवी में वीडियो चलाकर नाचने लगता है। इसको देखकर इवी नाचने लगती है, वो भी ऐसे जिससे बेचारे वॉली की एक आंख का कुंडा कर देती है। तो वॉली अपनी आंख बदलता है कि इतने में इसका दोस्त गोटिया पठान भी वहां आ जाता है। तो अपना वॉली को एक पौधा दिखाता है और कहता है धरती पर अब कोई इंसान नहीं, पर एक बात मुझे आज तक पता नहीं चली कि ये बिल्लो बग्गे बिल्ले यहां था की करेंगी। इतने में एव उस पौधे को अपने अंदर रख लेती है, जिसे देखकर ये टिंगू बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि लगता है गलत सवाल पूछ लिया। मगर अगले ही दिन वो रॉकेट दोबारा आता है और एव को अपने साथ ले जाने लगता है। तो ये टिंगू भी लंगूर की तरह उस रॉकेट पर लटक जाता है और कहता है सांप बना दे सांप ऐसे लहरा। वो स्पेसशिप अंतरिक्ष में BNL के हेडक्वार्टर में चली जाती है, जहां मशीनें इव की सफाई करने लगती है। तो लगे हाथ अपना लप्पू भी सफाई करवा लेता है कि तभी मशीन की नजर इव के ग्रीन सिग्नल पर पड़ती है, जिससे पूरे शिप में ग्रीन सिग्नल ऑन हो जाता है। तो रोबोट उसे गाड़ी में डालकर कैप्टन के पास ले जाते हैं। इव को जाता देख सबको भिड़ाते हुए टिंगू भी उसका पीछा करता है। इव के ग्रीन सिग्नल को देखकर कैप्टन बहुत खुश होता है कि धरती अब दोबारा से रहने लायक हो गई। तो कैप्टन इव को खोलने का ऑर्डर देता है, पर उसमें कोई पौधा नहीं था। तो इव ये देखकर ऑटो पायलट उसमें गड़बड़ी का बताकर रिपेयर होने के लिए भेज देता है, पर मशीनें टिंगू को एक चैम्बर में बंद कर देती है जहां सभी खराब रोबोट थे और इव को रिपेयर करने लगते हैं। लेकिन वॉली को लगता है कि वो मशीनें इव को नुकसान पहुंचा रही है। तो वॉली अपना चैम्बर तोड़कर उसे बचाने निकल जाता है और इव का हाथ उठाकर मशीन पर हमला कर देता है। लेकिन इस लप्पू ने हाथ उल्टा पकड़ा था, जिससे लॉक टूट जाता है और सभी खराब रोबोट आजाद हो जाते हैं और टिंगू को अपना बॉस मानने लगते हैं। पर इससे पुलिस इव और वॉली के पीछे पड़ जाती है। तो इव वॉली को दोबारा धरती पर भेजने के लिए एक शिप में बैठा देती है और कहती है पर टिंगू इव के बिना नहीं जाना चाहता था कि तभी ऑटो पायलट का असिस्टेंट वहां आ जाता है और शिप में उस पौधे को रखकर डिस्ट्रॉय होने का टाइमर लगा देता है। पर वॉली जाकर पौधे को उठाता है कि इतने में वो शिप लॉन्च हो जाती है और 20 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है। तो एव उसे बचाने जाती है, पर टिंगू फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बच जाता है और ये दोनों झींगा लाला करने लगते हैं। तो टिंगू एव को बताता है कि उसने पौधे को भी बचा लिया है, जिससे एव बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। फिर ये दोनों शिप पर आते हैं। इनको पता चल गया था कि सारे रोबोट को ऑटो पायलट कंट्रोल कर रहा है और वो नहीं चाहता कि प्लांट कैप्टन तक पहुंचे, इसलिए वो सबसे बचते हुए कचरे वाली जगह से कैप्टन के केबिन में जाती है। वो रास्ता काफी मुश्किल होने की वजह से इव टिंगू को वही छोड़ जाती है और कप्तान को प्लांट डिलीवर करती है। कैप्टन अर्थ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के बारे में कंप्यूटर की मदद से सब देख चुका था कि पृथ्वी पर इंसान कैसे रहा करते थे और चारों ओर हरियाली थी। वो इव के सर पर एक क्रॉप लगाता है और उसके अर्थ पर जाने वाले वीडियो देखता है, पर उसने कंप्यूटर पर जैसा अर्थ को देखा था अर्थ वैसी नहीं थी, बल्कि हर कहीं बुर्ज खलीफा से ऊंचे कचरे के ढेर थे। ये देखकर कैप्टन बहुत उदास हो जाता है। इतने में पौधे का एक पत्ता टूटकर गिर जाता है, तो कैप्टन उसे पानी देता है, जिससे अब वो समझ चुका था कि इंसानों ने धरती की देखभाल नहीं की, जिस वजह से धरती का आज ये हाल है। इसलिए हमें वापस जाना होगा और हम ही अर्थ को वापस सही कर सकते हैं। कप्तान का ध्यान जब पौधे में होता है तो इव के सामने वो वीडियो आता है जब इव पौधे को लेकर स्लीप मोड में चली गई थी। तो वॉली ने किस तरह उसका ख्याल रखा था और उसके लिए कितना परेशान हुआ था, ये देखकर इव बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचती है हायो रब्बा मेरा टिंगू। इधर वॉली भी इव का पीछा करते हुए आ रहा था। कैप्टन फौरन ऑटो पायलट को बुलाता है और होलो डिटेक्टर को ऑन करने का कहता है, जिसमें वो प्लांट रखकर जल्दी से धरती पर जा सके। ऑटो पायलट कहता है अभी मोटे हम धरती पर वापस नहीं जा सकते, और उसे BNL के CEO का एक इंटरव्यू दिखाता है, जिसमें वो बताते हैं कि धरती की हवा ज्यादा पॉल्यूशन के कारण जानलेवा हो चुकी है और मिशन क्लीनर भी फेल हो गया है, जिससे अब धरती पर वापस नहीं जाया जा सकता और ऑटो पायलट को फुल कंट्रोल है कि वो स्पेस में ही रहे और कभी वापस ना आए। ये दिखाकर ऑटो पायलट कैप्टन से प्लांट वापस मांगता है, लेकिन कप्तान को तो अर्थ पर जाना था। और फिर वो कंप्यूटर से पूछता है कि यह वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी, तो उसे पता चलता है कि यह मैसेज तो 700 साल पुराना है। फिर कैप्टन को रियलाइज होता है कि इतने साल गुजरने के बाद अब काफी ज्यादा चांसेस है कि अब सब सही हो गया होगा, इस वजह से यह प्लांट अभी तक जिंदा है। लेकिन ऑटो पायलट को तो सिर्फ CEO के ऑर्डर ही पूरे करने थे, इसीलिए वो इन सब के खिलाफ होता है। इसी दौरान यहाँ फिर से ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट आता है और वो कप्तान के हाथ से प्लांट पकड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन इतने में टिंगू भी ऊपर आ चुका था और प्लांट उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन इव को असिस्टेंट रोबोट पकड़ लेता है और ऑटो पायलट वॉली के पास जाता है और उसे प्लांट मानता है। लेकिन टिंगू उसे पौधा देने से मना कर देता है और अपने अंदर रख लेता है। तो ऑटो उसे 440 वॉट का झटका लगा देता है, जिससे वॉली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर वो इव को भी स्विच ऑफ करके नीचे फेंक देते हैं और कप्तान को भी उसके केबिन में बंद करके चले जाते हैं।
हैं। इधर इफ का स्विच ऑन हो जाता है और वो होश में आ जाती है। तो वो देखती है कि वो उस जगह है जहाँ कचरा फेंका जाता है। वो फौरन भागती हुई टिंगू के पास जाती है। तो वो देखती है कि उसकी हालत पतली हो गई है और ऑटो के झटके से उसकी चिप भी डैमेज हो चुकी है। तो इफ उसके लिए चिप ढूंढती है और कहती है टिंगू चिप्स मांग रहा है। तो टिंगू इफ को बताता है मेरी चिप अर्थ पर है और वही जाकर बदली जा सकती है। वो उसे प्लांट देकर बताता है कि अगर पौधे को होलो डिटेक्टर में डाला जाएगा तो वे सभी धरती पर चले जाएंगे, जिससे वॉली भी ठीक हो सकेगा। तो इफ भी एक नए जोश के साथ उठती है और वॉली को उठाकर हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ती है। तो वॉली भी अपने सभी चेले चपाटों को गाला गाकर बुला लेता है, लेकिन पुलिस उन सभी को देख लेती है और उन्हें रोकने लगती है। तो सभी खराब रोबोट इव और टिंगू की मदद करते हैं, जिससे अब उनकी तस्वीर हर गली नुक्कड़ पर दिखाई जाती है कि ये दोनों वांटेड और खराब रोबोट है। कप्तान भी उनकी तस्वीर देख लेता है जिसमें टिंगू के हाथ में प्लांट था। ये देखकर कैप्टन खुश हो जाता है और वो किसी तरह अपनी स्क्रीन ऑन करके इव के लिए मैसेज छोड़ता है, जिसमें होलो डिटेक्टर की पूरी जानकारी देता है। और अब कैप्टन ऑटो पायलट से लड़ाई करके किसी तरह होलो डिटेक्टर को ऑन कर देता है, जिसके बाद सभी ह्यूमन को तैयार कर डिटेक्टर वाले ग्राउंड में ले जाया जाता है। तो ऑटो कहता है इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, और कैप्टन को हराकर चेयर से नीचे गिरा देता है। इधर टिंगू और इव उस ग्राउंड तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी ऑटो शिप को टेढ़ा कर देता है, जिससे इव के हाथ से प्लांट छूट जाता है और सभी गुब्बारे जैसे इंसान अपनी चेयर से गिरकर एक तरफ फिसलने शुरू हो जाते हैं। ऑटो पायलट होलो डिटेक्टर को भी बंद करने लगता है, लेकिन टिंगू भी इव को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जान लगा देता है और होलो डिटेक्टर को ऑन रखता है। इतने में कैप्टन उठकर अपने पैरों पर चलकर ऑटो पायलट से लड़ता है और उसको मैनुअल कर देता है। इससे ऑटो पायलट स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे शिप सही हो जाती है। तो इव प्लांट को पकड़ने की जगह वॉली को बचाने भागती है। इधर सभी इंसान और रोबोट मिलकर पौधे को इव तक पहुंचाते हैं और इव उसे फौरन होलो डिटेक्टर में डाल देती है। लेकिन अब वॉली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह। इधर शिप भी टर्बो स्पीड से धरती की तरफ बढ़ती है और थोड़ी देर में लैंड कर जाती है। तो सबसे पहले इव टिंगू को उठाकर भागती है और उसके घर जाकर सारे पुर्जे रिपेयर करती है, फिर घर की छत फाड़ते हुए धूप से चार्ज भी करती है। वॉली को होश आने पर इव अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन ये भूतनी का सब कुछ भूल चुका था और बाहर जाने लगता है। तो इव उसे टीवी पर डांसिंग वीडियो दिखाती है, लेकिन वो इस पर भी कोई एक्शन नहीं देता। तो इव उसे बल्ब क्यूब और उसका इकट्ठा किया सामान दिखाती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वॉली की मेमोरी रिसेट हो चुकी है। वो बाहर जाकर नॉर्मल रोबोट की तरह कचरा साफ करने लग जाता है, मगर इव भी हिम्मत नहीं हारती और वो फिर से वॉली के पास जाकर उसे बुलाती है। उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती है, ऐसे जैसे वो सब उसे याद दिलाना चाहती हो, और उसे गले लगाती है, जिससे टिंगू की खोपड़ी में स्पार्क होता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो भी इव का हाथ पकड़ लेता है। इधर इंसान भी उस पौधे को लगा देते हैं और अब वो कॉकरोच और बाकी रोबोट के साथ अर्थ पर रहना शुरू कर देते हैं। और वक्त के गुजरने के साथ साथ अर्थ पर भी अब प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ हरियाली होने लगती है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आप अगली कौन सी मूवी देखना चाहते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं।